राखी सावंत के मामले में आदिल खान दुर्रानी के आने के बाद अब राखी सावंत के पहले पति रितेश सिंह भी मैदान में कूद चुके हैं। दरअसल रितेश सिंह ने आदिल खान दुर्रानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदिल खान ने एक वीडियो दिखाई थी। इस वीडियो में बताया था कि राखी सावंत अपनी मां के निधन के दिन बिरयानी खाती हुई दिखाई दे रही थी। साथ ही आदिल खान ने वो वीडियो दिखाई और दावा ये किया गया कि इस वीडियो में जो साड़ी राखी सावंत ने पहनी है, उसी साड़ी के साथ राखी सावंत हॉस्पिटल में भी पहुंची थी। इसी मुद्दे को लेकर के अब रितेश सिंह ने आदिल खान को घेरा है। आदिल खान को घेरते हुए रितेश सिंह ने सवाल पूछा कि कौन सी गारंटी है कि ये जो वीडियो आदिल खान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखा रहे हैं, ये वीडियो उसी दिन की है, और इसका क्या सबूत है कि ये राखी सावंत ने अपनी मां के निधन के दौरान ये बिरयानी खाई। साथ ही एक और बड़ा आरोप लगाया, दावा ये किया गया कि जो होटल की बात आदिल खान दुर्रानी बता रहे हैं, जिस होटल में राखी सावंत और रितेश ने मुलाकात की थी, दरअसल राखी सावंत और रितेश कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। यूके में जहां जिक्र किया जा रहा है कि रितेश ने राखी से मुलाकात की थी, ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ और इसका प्रमाण खुद उनका पासपोर्ट है, ये रितेश ने खुद कहा है। रितेश की माने तो कभी भी राखी के साथ यूके में मुलाकात नहीं हुई है और न ही इस तरीके की चर्चा हुई जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आदिल खान दुर्रानी ने बताई है। यानी कि अब इस पूरे मामले में रितेश अब एक बड़े गवाह के रूप में सामने आ रही हैं। कौन झूठ है, कौन सच है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि एक बात और साफ नहीं है कि क्या ये अब मामला पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई में जाएगा, क्या कानूनी दावपेच का सहारा लेना होगा, क्या राखी सावंत जितने भी आरोप आदिल खान दुर्रानी लगा रहे हैं इन तमाम आरोपों पर प्रतिक्रिया देंगी। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हाल में ही राखी सावंत से ज़रूर लिया जाएगा।